करनाल के इंद्री में कच्चे व पक्के कर्मचारी किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में सरकार विरोधी नारेबाजी व प्रदर्शन किया है। सर्व कर्मचारी संघ के इंद्री ब्लॉक के अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर यूनियन नेताओं से बात करे, नहीं तो यूनियन को कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने 3 कृषि बिल किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपने, बिजली बिल 2020 को रद्द करने सहित आदि मांगों को लेकर रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसान हितैषी है तो एमएसपी को लिखित में देने से संकोच क्यों कर रही है। आज का ये जो हमने गेट मीटिंग का प्रोग्राम बनाया है, ये सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर सभी विभागों ने मिलकर 1 घंटे की नारेबाजी का प्रोग्राम ये हमारा था इंद्री ब्लॉक में, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एक तो जो किसान विरोधी 3 बिल सरकार लेके आई है और लगातार किसानों को 1.5 महीने के आसपास होने जा रहा है, लगातार वहाँ पे बैठे हैं खुले आसमान में इतनी ठिठुरती ठंड में, ऊपर से कोरोना का काल भी सरकार बता रही थी, कहीं कोरोना भी आसपास उसकी सुविधा भी कहीं सरकार दिखा नहीं रही है उनकी, जो वहाँ पे वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। और ये कृषि बिल अगर इतने अच्छे थे किसानों के लिए तो सरकार ने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था अपने बनने से पहले कि हम पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो आज तक लागू नहीं हुई। और दूसरा, ये कृषि बिल जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं किसानों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और किसके लिए सरकार किसके एजेंट का काम कर रही है, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान की तो ये डिमांड नहीं थी जो कृषि के 3 जो बिल लेके आई है सरकार, ये किसान की डिमांड नहीं थी। सरकार ने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का जो अपने शपथ पत्र ये बोलते थे बीजेपी वाले भी, हमारा ये शपथ पत्र है और हम इसको लागू करेंगे, तो उसके आसपास भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये जबरदस्ती जो उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये, इसके बीच में आपके बीच में बार बार उदाहरण भी देखने को मिलता है, गुरनाम सिंह चुलुन्नी जो बार बार बोलते हैं किसान नेता कि भाई बिहार में ये मंडी व्यवस्था खत्म होने के बाद वहाँ के किसान की क्या लाता है, वहाँ पर जीरी 1000 रुपये क्विंटल के आसपास बिकती है और अपने यहाँ पर 1800-1900-2000 के आसपास रेट है जीरी का, तो इतना अंतर पैदा हो जाएगा मंडी की व्यवस्था खत्म होने से। दूसरा, सरकार बोलती है अभी हम कमीशन को ख़त्म कर रहे हैं, तो कमीशन एजेंट तो सरकार ने सरकारी विभागों में भी पैदा कर दी, जो ठेकेदार के माध्यम से अपना कर्मचारी काम कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी वो काम करते हैं सरकारी विभागों में और वेतन मिलता है उनको ठेकेदार के माध्यम से, तो मोटी रकम तो वहाँ पे भी जा रही है कमीशन के तौर पे, कहाँ तो कमीशन एजेंट को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, ऊपर से बढ़ावा देते जा रहे हैं कर्मचारियों के बीच में इस तरह का काम करके, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। और हर विभाग का निजीकरण करके और किसानों के ऊपर ये बिल ठोक के, तो पूंजीपतियों के दलाली का काम सरकार जो ये कर रही है, ये किसान अब जागरूक हो चुका है और कर्मचारी भी जागरूक हो चुका है, क्योंकि ये कर्मचारी भी किसानों के ही बेटे हैं जो देश की बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं और देश को अन्न पैदा करके दे रहे हैं, तो सरकार उनको खालिस्तानी और इस तरह की ये बातें करके किसान आंदोलन को तोड़ने का जो प्रयास कर रही है, ये धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है और सरकार की गले की फांस भी बनने जा रहा है धीरे धीरे, जो लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है इसके प्रति। तो हम सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि इतनी ठंड में और इतनी सेवा जो देश की उन्होंने करी है, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर देश को बनाया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा सहानुभूति से विचार करते हुए, अगर ये बिल इतने आनन फानन में लागू ना होते, इन पर पहले चर्चा कर ली जाती तो इस तरह के आंदोलन की नौबत नहीं आती, क्योंकि विपक्ष और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष जो होता है इनको आपस में बैठ के उस बिल पे चर्चा अगर कर लेते तो इसमें जो खामियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती, उसके बाद जो उसमें खामियां निकालने के बाद उसको लागू करते तो इस तरह की दिक्कत नहीं आती जो आज देश में आई हुई है। तो आज का जो ये नारेबाजी है किसानों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में भी है, और जो कमीशन एजेंट जो इन्होंने ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारियों के बीच में छोड़ रखे हैं अपने, क्योंकि जो भी इसमें ठेका ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के चहेते होते हैं, चाहे वो आज की सत्ता सरकार है जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में थी, उन्होंने भी इस काम को बढ़ाया, हम उसका भी पक्ष नहीं ले रहे। कोई भी सरकार आए, जब काम सरकारी विभागों में कर्मचारी कर रहा है और सरकार के विभाग से वेतन ले रहा है तो उसको सदा विभाग के रोल पर रखना चाहिए, ये ठेकेदार को बेच में बेमतलब की जो कमीशन दी जा रही है इसको बंद करना चाहिए, इसके समर्थन में भी था और किसानों के जो ये कृषि बिल आए हैं इसके समर्थन में भी हमने ये दोनों ज्वाइंट प्रोग्राम किया आज का। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.